अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मटन ग्रेवी बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, मटन हमें चाहिए होगा, प्याज, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे मैं गोश्त के साथ फ्राई करूंगी, ऑयल और धनिया और सब्ज मिर्चें। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 कप इसमें ऑयल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूं। उसके बाद मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। मटन ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह इसे फ्राई करूंगी। इसे हम 5 मिनट्स अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मैं बहुत ही इजी वे से बना रही थी तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं रेसिपी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूं 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च ऐड कर रही हूं 2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी मैंने ऐड की है इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4, जो मैंने मीडियम साइज के लेके काट लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर इसमें मैंने 4 to 5 मीडियम साइज के लेके उन्हें कट करके इसमें ऐड किए हैं। और लहसुन इसमें मैंने ऐड किया है 1 गिलास। मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए वेट दे देंगे। टेन मिनट्स हो चुके हैं, अब हम गोश्त देख लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे भुनाई हो रही है इसका कलर बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं इसमें धनिया और सब्ज मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही इजी वे से मैंने ये कुक किया है। तो व्यूअर्स, ये है मेरे मटन की फाइनल लुक। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।